ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल, आज आप लोग अकेले, बिल्कुल अकेले, एक ऐसी कहानी से, एक ऐसे सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसी चीज हो सकती है जो इंसानी सभ्यता की हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सकती है, जो आपकी मेरी हर एक ऐसी इच्छाओं को पूरी कर सकती है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज हो सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नागमणि। जी हाँ दोस्तों, आप में से और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही नागमणि के बारे में सोच सोचकर सुन सुनकर बड़े होते हैं। माना ये जाता है कि नागमणि एक ऐसी मणि होती है जो कि नागों के सर पर होती है और नागमणि की वजह से ही कोई भी नाग इच्छाधारी नाग बन सकता है। और जब कभी भी कोई भी नाग इच्छाधारी नाग बन जाता है तो अपना मन चाहा कोई भी चीज कर सकता है। जैसे वो अदृश्य हो सकता है, वो सांप शेर भी बन सकता है, वो इंसान बन सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो इच्छाधारी हो जाता है। वैसे ये भी माना जाता है, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि नागमणि अगर किसी इंसान को मिल जाए तो अपनी जिंदगी में इतनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं जो उन्हें कभी जिंदगी में गिने भी नहीं होंगे। दोस्तों नागमणि की सच्चाई बहुत ही यूनिक है। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर चुका हूँ क्योंकि नागमणि से रिलेटेड मेरी खुद की लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस मैंने देखा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक था। जिस एक्सपीरियंस के बाद मैंने नागमणि के ऊपर पूरी रिसर्च किया, मैंने ये जाना कि नागमणि की उत्पत्ति कैसे हुई है, अगर वो किसी इंसान को मिल जाए तो उसके साथ क्या होगा, और साथ ही नागमणि आज की दुनिया में कहां पर मौजूद है, वो सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को जानना है नागमणि से जुड़ी हुई हर एक सच्चाई तो बने रहिए अंत तक। मन में कुछ बात हो या फिर कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। दोस्तों मेरी नागमणि के ऊपर रिसर्च शुरू हुई थी आज से तकरीबन 6 साल पहले, जब मैं मुंबई में पहली बार पहुंचा था। दोस्तों जब मैं मुंबई में पहली बार आया था तो मैं यहाँ पे एज अ पीजी रहता था, मतलब पेइंग गेस्ट रहता था। पेइंग गेस्ट में क्या होता है, लोगों के घर रहते, बड़े बड़े घर रहते कुछ लोगों के, तो वो लोग ना पेइंग गेस्ट को दे देते हैं, मतलब ऐसे गेस्ट को दे देते हैं जो पे करके रहते हैं। तो मैं उनमें से एक था, मतलब मैं एक ऐसा पर्सन था जो किसी एक फैमिली मेंबर के साथ उनके बड़े से घर में पैसे देकर रहता था। उनका घर इतना बड़ा था दोस्तों, 2 फ्लोर का उनका घर था। ग्राउंड फ्लोर में वो खुद रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर में उन्होंने हम जैसे लोगों को, बैचलर्स लोगों को रेंट पर देके रखते थे। तो ऊपर लगभग 3 BHK का उनका घर था, फ्लैट था, और वहां पे तकरीबन 9 से 12 लोग रहते थे। मुझे उतने अच्छे से याद है, 6 साल पुरानी बात है। दोस्तों जिस दिन मैं उस रूम में शिफ्ट हुआ था तो उसी दिन मेरे बाकी के लड़कों के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करने लगे क्योंकि बाकी के लोग जो थे उनमें से ज्यादातर लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही थे। जब हम लोग कुछ दिन बिताए साथ में और फिर एक दिन हम लोग जब साथ में बैठे हुए थे, थोड़ी कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मेरे ही एक जो बाजू वाला कमरा था उसके एक लड़के ने मुझे ये बताया कि निखिल तू क्या ये जानता है, जिस कमरे में तू रह रहा है, जिस बेड में तू सो रहा है, उस बेड में यानी उस कमरे में एक लड़का रहता था जो इस घर पर 4 साल रहा है, इस पीजी पर 4 साल रहा है, और आज से तकरीबन 2 महीने या लगभग 2.5 महीने पहले वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया था। मुझे उसकी बात पर इंटरेस्ट आया कि एक लड़का जो 4 साल से यहाँ रह रहा था वो गायब हो गया, अब आगे क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि आगे क्या हुआ, तो उसने ये बताया कि हैरानी वाली बात ये थी कि वो जो लड़का था वो पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रहा अपने टाइम पर, वो बहुत ही अच्छी कंपनी में यहाँ पर जॉब भी कर रहा था, लेकिन उसका अपनी जॉब में और ना ही किसी चीज में कोई भी मन नहीं लगता था, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था उसको। वो पिछले 4 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर इंटरेस्ट लाता था, एक ही चीज के ऊपर रिसर्च करता था, और वो थी नागमणि। नागमणि के ऊपर उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, हर चीज उसके बारे में लिखता पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, खोजबीन करता रहता था। और ये बात हुई आज से कुछ समय पहले कि उसने हम सभी लोगों को ये बोला कि मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है तो मैं अपने घर पर जाकर दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। सभी लोग हैरान इसलिए थे कि 4 साल में पहली बार वो ये बोल रहा था कि मैं दिवाली अपने घर पर सेलिब्रेट करने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो सिर्फ अपने जॉब जाता था और घर पर आकर नागमणि के ऊपर रिसर्च करता था। सभी लोग थोड़ा खुश भी हुए कि चलो यार बंदा तो अपने घर वालों को टाइम भी देने वाला है, तो वो ऐसा कहकर वहां से निकल जाता। एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद वो जो लड़का गया हुआ था ना, उसका नाम था नितिन। अब जो नितिन जो चले गया था घर, नितिन के घर वाले फोन करते हैं नितिन के रूममेट को, तो रूममेट फोन उठाता है, बोलता है हाँ अंकल बोलिए क्या हुआ। तो नितिन के पापा ये कहते हैं कि बेटा नितिन से बात कराना, पिछले 1 हफ्ते से उसे फोन नहीं लग रहा है।
तो उसका नितिन का रूममेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है अंकल ये कैसे पॉसिबल है, वो तो एक हफ्ते पहले अपने घर के लिए ही निकल गया था, क्या वो अब तक घर नहीं पहुंचा। तो अंकल थोड़े शॉक्ड होते हैं, थोड़े डर जाते हैं। अंकल बोलते हैं कि बेटा ये कैसे पॉसिबल है, वो तो घर पर आया ही नहीं, वो तो वहीं पर था। तो अब दिमाग की बत्ती खुलती है सब लोगों की, अब समझ में आता है कि नितिन कहीं ना कहीं लापता हो गया या अपनी मर्जी से कहीं चले गए। उसकी पुलिस रिपोर्ट कराई जाती है, सब लोग बहुत खोजते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को दोस्तों को फोन किया जाता है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस भी थक हार के केस बंद करने ही वाली होती है कि कुछ समय बीतता है, मतलब लगभग 28 से 30 दिन बाद नितिन का जो रूममेट था उसको एक फोन आता है। वो अनजान नंबर से फोन था, मतलब वो नंबर उसके मोबाइल में सेव नहीं था। वो फोन उठाता है, फोन में दूसरी तरफ नितिन ही था। नितिन अपने रूममेट को सिर्फ एक ही बात बोलता है कि भाई सुन, मेरे घर वालों का फोन आया तो उन्हें कह देना कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका बेटा सक्सेस की बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ने वाला है, जिंदगी में कुछ ऐसा कारनामा करने वाला है जिससे भारत का इतिहास बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, उनका बेटा जल्द ही घर पर वापस आने वाला है। और ये बोलकर फोन काट देता है। तो उसका रूममेट बहुत ज्यादा हैरान होता है, सोचता है यार ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, एक डेढ़ महीने से कहीं गायब थे, कैसी कैसी बातें कर रहा है बहकी बहकी सी। नितिन का रूममेट तुरंत उसके पापा को फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। नितिन के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्यूरियोसिटी उनके मन में इतनी होती है कि दो दिन बाद ही वो मुंबई पहुंच जाते हैं। रूम में बैठ के उसके रूममेट से सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जो नितिन का रूममेट था, नितिन के पापा को पूरी बात बताता है कि अंकल नितिन कैसे पिछले 4 साल से नागमणि के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और जिस नंबर से उसका फोन आया था उस नंबर पर फोन भी नहीं लग रहा है, वो बहुत ज्यादा बहकी बहकी सी बातें और हरकतें करता था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च कर चुका था जो शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, और वो किसी को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसका ये मानना था कि उसे नागमणि जरूर मिल सकती है। अंकल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। आज इस वाक्य को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन नितिन का आज भी कोई अता पता नहीं। जिस नंबर से उसके रूममेट को फोन आया था उस नंबर का भी कोई अता पता नहीं। ना जाने नितिन कहां पर था, कहां गया और कहां गायब हो गया। क्या आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि नितिन उसी नागमणि की खोज में कहीं अलग ही जगह चले गया और वो खोज उसकी आज तक खत्म नहीं हुई, या फिर वो पागल सा हो गया और फिर बस पागल होके वो गायब हो गया। हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अजीब अजीब तरह के कदम उठा लेते हैं ये सब चीजों की रिसर्च के पीछे, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इन सब चीजों की रिसर्च के पीछे सचमुच में कदम उठाना चाहिए? क्या इस तरह की रिसर्च सचमुच कामयाब हो सकती है? आपको समझ में आएगा इस कहानी से। दोस्तों दरअसल नागमणि क्या है? नागमणि समुद्र मंथन के 14 रत्नों से निकला हुआ एक रत्न है। हमने पहले एक वीडियो बनाया इसी चैनल में जिसमें आप लोगों को समुद्र मंथन से निकली हुई चीजों के बारे में बताया है। दोस्तों समुद्र मंथन से एक रत्न निकला था, वैसे 14 रत्नों में से एक रत्न था जिसका नाम था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को जब निकला था ना तो उसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। वो मणि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ज्यादा दिव्य था, और उसकी दिव्यता और क्यों बढ़ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसे अपने हृदय में धारण कर लिए थे। दुनिया की उत्पत्ति हुई, इंसान पैदा हुए, अलग अलग तरह के जीव पैदा हुए, सांप पैदा हुए, नाग पैदा हुए। दोस्तों दरअसल आप लोगों को ये बता दूं मैं कि नाग सांप जो होते हैं उनकी मृत्यु अपने आप नहीं होती है। वो अगर जी रहे हैं ना तो कितने भी साल जी सकते हैं, उनकी जो केचुली होती है मतलब उनकी जो स्किन होती है ना वो बदल बदल उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर कोई उन्हें मार रहा है या तो कोई उन्हें जानवर खा जा रहा है, कोई पक्षी खा जा रहा है, तभी वो मर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा सांप या फिर ऐसा नाग होता है जो कि 1000 साल तक जी जाता है, उसे कुछ नहीं होता, तो माना जाता है कि उसे नागमणि की प्राप्ति हो जाती है। और जब किसी कोई भी नाग को नागमणि प्राप्त होती है, मतलब कोबरा जो किंग कोबरा होता है ना, ऐसा फन वाला जो सांप, उससे अगर नागमणि मिल जाती है तो वो इच्छाधारी बन जाता है। मतलब वो फिर किसी इंसान का रूप भी ले सकता है, वो कोई जानवर भी बन सकता है, वो अदृश्य भी हो सकता है, मतलब एक तरह से वो दिव्य नाग बन जाता है। दोस्तों आपने बहुत सारे फिल्म्स और सीरियल्स में ये नागमणि की कहानियां और इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां जरूर सुने होंगे। दोस्तों ये बिल्कुल सही कहानियां, ऐसा सचमुच पॉसिबल है, लेकिन कब, 1000 साल के अंतराल के बाद, मतलब हर 1000 साल में एक इच्छाधारी नाग पैदा होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं
तो जब ये जब नाग पैदा हुए, जब सांप पैदा हुए इस दुनिया में, तो भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने जो इतनी दिव्य चीज थी, भगवान शिव का जो गले में जिसको धारण करते थे, उन्हें ये आशीर्वाद के तौर पर अपनी कौस्तुम मणि दे दी। उन्हें ये बोले कि हर 1000 साल तक अगर तुम पृथ्वी में जिंदा रह गए तो ये मणि तुम्हारी। अब तो अब नाग नागिन के होड़ लगे कि अब तो हम लोग जिंदा रहेंगे, और वो जिंदा रहने भी लगे। भगवान विष्णु ने वो कौस्तुम मणि अपने हृदय से निकालकर नाग नागिनों को दे दी, इसलिए उनका नाम बना नागमणि। दोस्तों, क्या ऐसी कोई मणि सचमुच कोई इंसान हासिल कर सकता है जो भगवान विष्णु के हृदय में थी, जो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देकर नाग नागिनों को दी हो? क्या हम लोग किसी तंत्र विद्या की मदद से, क्या कोई जादू टोटके की मदद से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं? क्या आप लोगों को सचमुच लगता है ये पॉसिबल है? तो अब समझ में आया आप लोगों को कि इस तरह की रिसर्च करने से कोई फायदा हो सकता है या नहीं? आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में बहुत ही बड़ा बेवकूफ साबित हो सकता है जो भगवान विष्णु का आशीर्वाद किसी रिसर्च की मदद से या फिर कोई जादू टोटके या फिर कोई तंत्र विद्या की मदद से हासिल करने की सोच रहा हो? मुझे तो नहीं लगता, इम्पॉसिबल। अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी बात या फिर कोई भी ऐसा किस्सा है जो आप लोगों ने रियल लाइफ में देखी और बहुत ही ज्यादा यूनिक आपको ऐसा लगता है, वो आप हमें बताकर हमारे वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बता सकते हैं, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें भेज सकते हैं। हम इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देते हैं। बस आपको वहां पर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम में पहुंच जाएंगे, बस डीएम करो, वहां पर जुड़े रहो, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें इन सब टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो कुछ अलग तरह के कदम उठा सकते हैं। शायद हमारे इस वीडियो से वो ये कदम उठाने से रुक जाए, शायद उनकी थोड़ी दिमाग की बत्ती जल जाए और उन्हें समझ में आ जाए कि ये रिसर्च विचर कुछ काम नहीं आती जब तक भगवान की इच्छा ना हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह से आपको हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिसके कारण आपका मनोरंजन तो होता ही होता है, गारंटी है, साथ ही साथ आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है। और हाँ, जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हम अगली बार से आएंगे ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी बिल्कुल फ्री। तो चलते हैं, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।